इजराइल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया शनिवार को, त्योहार के दिन, विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए, तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था। ये जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, और इससे कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहली बात तो ये कि इज़राइल के बारे में जो कहा जाता था कि एक पत्ता भी खड़कता है मध्य पूर्व में तो इज़राइलियों को पता होता है या वो खुद करते हैं, उसे सिद्ध हो गया कि उसमें अतिशयोक्ति है। हालांकि मौका बड़े समय बड़े ध्यान से चुना गया था, ये शनिवार था जिसको इज़राइल में सप्त कहते हैं, जिसमें इज़राइली खाना नहीं खाते हैं, जिसमें इज़राइली कुछ नहीं, ज्यूज़ के लिए कुछ भी करना मना है, यहाँ तक कि फ्रिज का दरवाज़ा भी खोलना मना होता है शनिवार के लिए। हाँ, उनके लिए शनिवार अलग माय, सप्त कहते हैं उसको, सब्बात अरबी में यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, वो अलग है। दूसरा, कल सिमशात का एक त्योहार था यहूदियों में, जिसमें पूरा दिन अपनी जो उनका ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ तोरा उसको पढ़ने के लिए समर्पित है। तीसरा, इज़राइल के अंदर विवाद चल रहा है जिसमें कि कहा जा जिसमें कि सरकार चाहती है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए, और काफ़ी जनता इसके विरुद्ध है, लेकिन सरकार का बहुमत है हल्का सा संसद में और उसको पास करा लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अधिकारों के हनन के बिल पर, उसकी वैधानिकता पर विचार कर रहा है और प्रदर्शन जारी है। इस तरह से देश विभाजित है इतनी बुरी तरह से कि एक ज़माने में जो इजरायली सेना के रिजर्विस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे इस बिल के विरुद्ध, तो इजरायल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया शनिवार को, त्योहार के दिन, विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए, तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया। और याद हो आपको कि 50 साल एक दिन पहले 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था इजरायल पर, उस दिन भी यहूदियों का त्योहार था। तो उसकी का प्रतिबिंब इसमें दिखता है,
लेकिन सीमाएं वहां पर जाके रुक जाती हैं। इसराइल के ऊपर जो हमला 50 साल पहले हुआ था वो इसराइल के इस अस्तित्व को मिटाने की का खतरा था। जो हमास ने किया है वो एक बहुत छोटे पैमाने पर है, हालांकि नाटकीय तरह से हुआ है। उस समय भी नाटकीयता थी क्योंकि इसराइल के ऊपर एकदम से कुछ हुआ था, इसराइल की अपेक्षा से अलग था। अब जो है वो फिर से वैसा ही हुआ है, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम होगा उसमें सैनिक परिणाम के बारे में कोई शक नहीं है। इसराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है और एक बार जब लामबंदी हो जाएगी फौज की तो इन सबको पीछे धकेल दिया जाएगा, हमास को, इस्लामिक जिहाद को पीछे धकेल दिया जाएगा और बॉर्डर फिर से सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है कि इसराइल सैनिक दखलंदाजी भी करे, एक सेना भेजे गाज़ा में, वहाँ अभी उसके कोई सैनिक नहीं है, वहाँ पर उसकी कोई बस्तियाँ भी नहीं है, वेस्ट बैंक में है ये सब लेकिन इधर नहीं है, तो सैनिक भेज करके और तोड़ फोड़ करे, पकड़े लोगों को, अपने लोगों को ढूंढे, उनको रेस्क्यू करे वगैरह, उस टाइप की बातें हो सकती हैं आने वाले दिनों में। जी, अगर वो होता है तो काफ़ी और ज़्यादा हिंसा होगी।